नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए वीडियो में। सुगंध आज हम बात करेंगे कि अपने स्क्रीन फ्रेम को कैसे धुलते हैं, क्योंकि फ्रेंड जो लोग नए होते हैं वो क्या गलती करते हैं कि फ्रेम को धुलते हैं लेकिन फ्रेम धुलता नहीं, फ्रेंड्स वो कोटिंग्स में लगी रहती है, ऐसे में दो तीन बार वो धुलते हैं तो उनका फ्रेम फट जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अच्छी तरीके से आप फ्रेम को कैसे धुलेंगे, जो परफेक्ट तरीका वो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि जो फ्रेंड्स नए होते हैं वो अभी नहीं कलर सेलेक्ट कर पाते, तो मैंने जो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता देता हूँ कि फ्रेम को कैसे धुलते हैं। तो चले फ्रेंड्स आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फ्रेम है और मैं अभी किसी को धुलने वाला हूँ, तो आप लोगों को बताऊँगा कि फ्रेम को कैसे धुला जाता है। फ्रेंड्स ये करीब 10 से 15 दिनों से रखा हुआ है, अभी मैंने इसको धुला नहीं था, तो मुझे देखा ज़्यादा दिन गिर गया ताकि फ्रेम जो थोड़ा है वो हार्ड हो सके, ताकि मैं आप लोगों को बताऊं कि ज़्यादा दिन से रखा हुआ फ्रेम को कैसे आप धो सकते हैं बिल्कुल ही आसान तरीके से। चलिए फिर लेकर के आप लोगों को बता दें कि कैसे फ्रेम को धोया जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये डिकोडर पाउडर है, जो ये प्रिंटिंग प्रेस जहाँ सामान मिलता है वहाँ आप जाएंगे तो मिल जाएगा आपको। बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्लीचिंग पाउडर से भी धुलते हैं, तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूँ कि ब्लीचिंग पाउडर से आपको नहीं धुलना है, क्योंकि बस वो बहुत ही ज़्यादा केमिकल होता है, इस वजह से आपका फ्रेम जल्दी फट जाता है। तो ये एक कुड़िया है, देख सकते हैं 7-8 रुपये की मिलती है, आप मार्केट से ले लेंगे, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से इसे धुल जाता है। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसे आपको धुलना है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको इस पर पानी डाल देना ही चाहते हैं, ताकि जो दिखने में थोड़ा सा गीला हो सके। पानी डालने के बाद ये जो पुड़िया है फिर इसको इस पर से डाल देना इस तरह से। तो डिकोडर पाउडर डालने के बाद फिर इस तरह से हाथ से हमें थोड़ा धीरे धीरे रगड़ देना है, ताकि जो हमारा फ्रेम है, फ्रेम की जो कोटिन है वो फ्रेंड्स धीरे धीरे छूट जाएगी। और फ्रेंड्स आपको बहुत ही धीरे धीरे से इसे रगड़ना, नहीं तो आपका फ्रेम फट सकता है। और ध्यान रहे फ्रेंड्स कि आप इसमें कोई भी कंकड़ और पत्थर वगैरह आप इसमें ना आने दें, नहीं तो आपका फ्रेम जो है वो बहुत ही आसान तरीके से फ्रेंड्स फट सकता है। तो इसे धीरे धीरे से रगड़ देना है। रगड़ने के बाद फ्रेंड्स इसका जो टैप है, फिर हम पानी डालकर उसका टैप छुड़ाएंगे, फिर आप लोगों को हम अभी दिखाएंगे किस तरह से टैप को छुड़ाया जाता है। कुछ लोग होते हैं ना कि टैप को पहले छुड़ा देते हैं, तो फ्रेंड्स पहले मत छुड़ाएं, नहीं तो आपका टैप छुड़ाने के चक्कर में आपका फ्रेम भी फट सकता है। तो इस तरह से पानी में धीरे धीरे डाल रहा हूँ। डालने के बाद फ्रेंड्स मैं अभी इसका टैप छुड़ाऊँगा, फिर आप लोगों को दिखाऊँगा किस तरह से टैप को छुड़ाया जाएगा ताकि आसानी तरीके से छूट सके। इधर से भी हम थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, फिर ये देखिए टैप मैं छुड़ा रहा हूँ और कितनी आसानी से दोस्तों ये टैप छूट रहा है, आप देख सकते हैं वीडियो में, ऐसा लग रहा है कि ये चिपका ही नहीं हुआ था, सिर्फ रखा हुआ था। तो फ्रेंड्स पहले टैप को कभी ना छुड़ाएं, जब कोटिन को छुड़ा लें उसी के बाद टैप को छुड़ाएं, ताकि जो टैप की जो रार होती है फ्रेंड्स वो छूट जाएगी, तो बहुत ही आसानी तरीके से टैप फ्रेम से हमारा छूट जाता है। अब दोस्तों इसकी हम पेंट को छुड़ाएंगे। पेंट को छुड़ाने के लिए हम इसमें नाइट्रो का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हम नाइट्रो इसमें डाल रहे हैं। नाइट्रो डालने के बाद फ्रेंड्स और जो घड़ी साबुन जो होता है कपड़ा छाटने वाला दोस्तों, उस साबुन से इसे हम रगड़ेंगे। साबुन क्या होता है फ्रेंड्स, जो इंक होती है बहुत ही अच्छी तरीके से छूट जाती है उससे, तो अभी हम साबुन से रगड़ रहे हैं। रगड़ने के बाद फ्रेंड्स इसे अच्छी तरीके से हम रगड़ेंगे, ताकि जो हमारा फ्रेम है एकदम क्लियर हो जाए और एकदम क्लीन हो जाए फ्रेंड्स। तो अभी हम इस तरह से रगड़ रहे हैं साबुन को फ्रेम पर। तो रगड़ने के बाद फ्रेंड्स अभी मैं इसमें पानी फिर से डालूँगा, ताकि जो इंक है वो नीचे बह जाए और फ्रेम हमारा अच्छी तरीके से साफ़ हो सके। तो धीरे धीरे करके मैं इसे रगड़ रहा हूँ। वीडियो को फ्रेंड्स एंड तक देखते रहिएगा, सारी जानकारी तो मैं देने ही वाला हूँ, साथ में आप का जो फ्रेंड्स देखेंगे तो आपका थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाएगा, जो कि एक्सपीरियंस हो जाएगा फ्रेम धुलने का, तो आपका जो फ्रेम हो कभी फटेगा नहीं। तो मैं इस पर फिर से पानी डाल दे रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी तरीके से फ्रेंड्स सारी इंक नीचे गिर गई है, और इसी तरह से फ्रेम को आप धुलेंगे फ्रेंड्स तो आपका भी फ्रेम कभी नहीं फटने वाला है। तो इसमें जो इंक अभी लगी हुई है, तो मैं थोड़ा और नाइट्रो इसमें डाल देता हूँ। डालने के बाद इसे फिर से मैं साबुन की सहायता से रगड़ूंगा, फिर मैं आप लोगों को अभी और आगे बताऊंगा इसे किस तरीके से बढ़िया अच्छे तरीके से साफ किया जाता है। तो ये देखिए मैं रगड़ रहा हूँ फ्रेंड्स, और इसे आप पीछे जो हथेली होती है फ्रेंड्स उसको लगा लेना है, ताकि जो फ्रेम अच्छी तरीके से साफ हो जाए और फटे भी ना। जो हाथ की हथेली होती है फ्रेंड्स उसको लगाने से यह होता है कि आपका फ्रेम कभी फटेगा नहीं, तो इस वजह से
आप हथेली पीछे लगा लें तो मैं इस तरह से लगा लेता हूँ। लगाने के बाद फ्रेंड्स अच्छे तरीके से आपको रगड़ लेना है, जैसे मैं रगड़ रहा हूँ। मैं फ्रेंड्स दुकान पर इसीलिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, जैसा कि आप लोगों को वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि मेन रोड है, आप लोगों को रोड पर गाड़ियाँ देख रहे हैं चल रही होंगी, इस वजह से मैं नहीं बनाता हूँ, ताकि जो वॉइस है वो बहुत ही बेकार हो जाती है। हमने स्टूडियो बना लिया है और मैं अब ज़्यादातर वहीं वीडियो बनाता हूँ घर पर। तो मैं आप लोगों को ये मुझे फ्रेम धुलना था, इस वजह से मैंने सोचा लो दुकान पर ही बता देता हूँ, नहीं तो मैं घर पर ही इसे बताता। फ्रेंड्स मैं जो अपना सेटअप बनाया हुआ हूँ तो उस सेटअप में मैं कार्ड प्रिंटिंग का काम वहाँ भी करूँगा। तो जब मैं वहाँ करूँगा तो आप लोगों को ज़रूरी वीडियो मैं बना कर दे दूँगा। तो अभी क्या है कि मैं इसे धुल रहा हूँ, धुलने के बाद फिर आप लोगों को दिखाऊँगा कैसे इसे धूप में रखना है और किस तरह से सुखाना है सारा। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो फ्रेम है एकदम क्लीन हो चुका है, इसमें मैं थोड़ा पानी डाल देता हूँ ताकि अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। साफ़ होने के बाद फ्रेंड्स इसे हम धूप में सुखाएंगे, फिर सुखाने के बाद इस पर हम कोटिंग लगाएंगे। कोटिंग लगाने के बाद फिर जो है हम इसे एक्सपोज भी करेंगे। तो एक्सपोज करने का वीडियो फ्रेंड्स अगले वीडियो में मिल जाएगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। वैसे भी ये 6-7 मिनट हो गया ये वीडियो, तो मैं इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक बताऊँगा। फ्रेम जो हमने सुखने धुल लिया है यही मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताया हूँ। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप वीडियो हमारे सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम रख देते हैं धूप में और सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद फ्रेंड्स फिर आप लोगों को हम कोटिंग करके बताएंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।